आज हम आपके लिए बहुत ही एक स्पेशल दाल है, ये खाने के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको ककड़ी भी बोलता है और कचरी भी बोलता है। इसका दाल जो होता है खाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, थोड़ा खट्टा रहेगा। इसको जब कट करें आप एक बार चेक कर लेना होगा, ये आपका कड़वापन ना रहे। इसको ऐसा स्किन पूरा निकाल देना है, इसका जो छिलका है। अब इसको 20 से 2 पीस करना है, फिर इसको 4 पीस में कट करना है। ऐसा कट करके इसका अंदर का जो सीड है इसको निकाल के फेंक देना है आपको, कि इसको अंदर का जो फेंक देगा तभी ये आपका जो दाल में आप डालने का लायक रहेगा। इसलिए इसको ऐसा काट के इसको फेंक देना है। देखिए आप, एक छोटा सा टुकड़ा आप काट के भी खा के थोड़ा देख लेना है आपको कैसा इसका टेस्ट है। अब इसको कट करके हम दिखाऊंगा। इसको ऐसा लंबा से लंबा काट लीजिए। इसका बाद इसको छोटा छोटा क्यूब में काट लेना है। आप थोड़ा और भी ज़्यादा चाहे तो छोटा भी काट सकते हैं, आप चाहे तो बड़े भी काट सकते हैं। आप जैसे मर्जी वही हिसाब से आप कट कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ये इसका दाल एक बार घर में बनाइए, आपको बहुत ही अच्छा होता है और बहुत टेस्टी भी लगता है खाने के लिए। अब यकीन कीजिए एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे इसका दाल जो है। अब ये जब मार्केट में ख़रीदे ये पूरा रेड कलर होगा तभी अच्छा हुआ, पका हुआ होना चाहिए। इधर हम थोड़ा ग्रीन चिली और थोड़ा गार्लिक और थोड़ा कड़ी पत्ता ले आऊँ ये दाल बनाने के लिए। इधर हम दे तोर दाल है, इसको देखिए। इधर हम 1 कप तोर दाल को अच्छा से वॉश कर लिया हूँ पूरा एकदम बढ़िया से। अब इसमें डालूँगा थोड़ा 1 चम्मच सॉल्ट डालूँगा और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। दाल में 1 सीटी लगाएंगे तो दाल अच्छा से पक जाएगा। अब इसको दाल बनाने के लिए हम इधर 2 चम्मच ऑयल का यूज़ किया हूँ और थोड़ा सा राई का यूज़ किया हूँ। अब हम इसमें डालूँगा आपका करी पत्ता डाल दूँगा। इधर देखिए, करी पत्ता डालने के बाद अब इसमें हम डालूँगा आपका जो गार्लिक आप चाहे तो चॉप भी कर सकते हैं। हम इधर थोड़ा मैश कर लिया हूँ गार्लिक को। अब इसको थोड़ा सा हल्का फ्राई करना है गार्लिक और करी पत्ता को। जैसे थोड़ा सा हल्का फ्राई हो जाए अब इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून करीब आपका हींग पाउडर इसमें हम ऐड करूँगा। हींग पाउडर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए थोड़ा हींग पाउडर भी हम इसमें ऐड करूँगा। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जैसे गार्लिक थोड़ा गोल्डन कलर हो जाए अब इसमें थोड़ा सा हल्का हल्दी पाउडर ऐड करूँगा। हल्दी पाउडर जैसे थोड़ा हल्का फ्राई हो जाए अब इसमें कटा हुआ जो ककड़ी है, जो कचरी बोलते हैं इसको, अब इसको इसमें डाल के इसको स्लो फायर में थोड़ा पकाएंगे, जैसे पूरा अच्छा तरीका से पक जाना चाहिए। अब देखिए इधर मेरा दाल भी देखिए अच्छा बॉयल हो चुका है। इसको 1 सीटी लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, ये तो दाल जो है पूरा मैश हो जाएगा। इधर दाल भी बहुत अच्छा बॉयल हुआ है। अब इसमें इसको स्लो फायर में पकाइए जब तक कचरी जो है थोड़ा अच्छा से पक जाए, उसका बाद ही जो है इसको दाल को ऐड करना है। अब देखिए जो इधर मेरा पक चुका है, अब इसमें दाल को हम इसमें ऐड कर दूंगा। दाल ऐड करने के बाद गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर दे, इसको थोड़ा कुछ देर तक पकाना है। अब एक बार बनाइए देखिए घर में, ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए और बहुत टेस्टी भी होता है। अब इसमें देखिए थोड़ा पानी भी ऐड करूँगा क्योंकि दाल आपका ठीक है, इसके लिए थोड़ा पानी ऐड करूँगा, दाल थोड़ा जैसे पतला हो जाए। अब दाल को अच्छा से पकाना है, जैसे दाल में अच्छा तरीके से उबाल आ जाए। अब इसमें जो कटा हुआ ग्रीन चिली है इसको भी हम ऐड कर दूँगा, जिसको भी डाल के अच्छा से थोड़ा पकाएंगे। दाल जैसे ज़्यादा बॉयल होगा तब दाल आपका अच्छा टेस्ट होगा। अब इसमें जो इमली है, इधर हम 3 चम्मच इमली का जो पानी है इसको ऐड करना हूँ, क्योंकि इसमें ऐड करेंगे तो दाल का जो खट्टा है थोड़ा बढ़ जाएगा और दाल खाने के लिए बहुत ही अच्छा लगे। आप चावल के साथ एक बार खा के देखिए, यकीन कीजिए बहुत ही अच्छा लगेगा। और इमली को डालकर अब इसको अच्छा से बॉयल करना है, थोड़ा कुछ देर तक बॉयल करेंगे दाल पूरा अच्छा तरीके से पक जाए। अब इसमें थोड़ा सा हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे थोड़ा, और लास्ट में थोड़ा कटा हुआ धनिया पत्ता को ही ऐड कर दूंगा इसमें, कटा हुआ धनिया पत्ता। अब दाल बनकर रेडी है। दाल का रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ऐसे नया नया रेसिपी के लिए।